जबलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में परिवार के मुखिया की पत्नी सहित उसके दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ग्राम गोसलपुर में रहने वाला अमर पटेल लॉकडाउन में मिली छूट के कारण अपने घर से अपनी पत्नी नंदिनी पटेल, उम्र 28 वर्ष, 5 वर्ष की बेटी अंशिका पटेल और 3 वर्ष का बेटा अंशु पटेल को लेकर पत्नी के मायके छोड़ने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकला, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही पटेल परिवार ग्राम पनागर के ग्राम बरौदा चौराहे पर पहुंचा, उसी वक्त बेलगाम भागते अज्ञात ट्रक ने पटेल परिवार को पीछे से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। ट्रक की टक्कर लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर पड़े पटेल परिवार को 108 एम्बुलेंस से जबलपुर के मेडिकल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने नंदिनी पटेल और उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं आज सुबह डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार अमर पटेल की भी मृत्यु हो गई। फिलहाल जबलपुर एडिशनल एसपी अगम जैन और थाना पनागर पुलिस ने चारों ओर की नाकाबंदी कर उस अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। भैया क्या घटना हुई है, कहाँ, क्या लोग हैं, ये लोग क्या नाम है? ये गोसलपुर से जिनवानी की ओर मुड़ रहे थे, तो पीछे से कोई वाहन ट्रक था या कौन सा था, कुछ देखा नहीं है और मार के निकल गए। कितने लोग थे और कितने लोग घायल हैं? ये 4 लोग रहने वाले हैं, 2 बच्चे, उनकी पत्नी और एक भाई। क्या नाम है इनका? अमर पटेल। जो खत्म हुए पूजा पटेल बच्चों का? अंशु अंशिका। तो ये प्रॉपर रहने वाले कहाँ के थे? जी जुझारी पाली टेरिए जोसलपुर। तो ये कहाँ जा रहे थे अपने? जनमानी मायके। मायके जा रहे थे। आपका सब नाम? आपका नाम संतोष पटेल भिड़ारी। ये बड़ौदा का जो चौराहा है हाईवे पर, यहाँ पर जुझारी गांव के पटेल परिवार मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो उनका रोड एक्सीडेंट होने के कारण से उस परिवार के जो 4 लोग मोटरसाइकिल पर थे, उसमें से 3 की मृत्यु का अभी मेडिकल हॉस्पिटल से पता चला है और एक जो है वो अभी गंभीर हालत में है। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी, लोग किस गाड़ी में? उसकी तस्दीक की जा रही है, जानकारी लिए ये लोग मोटरसाइकिल से थे और किससे टक्कर हुई है उसकी तस्दीक की जा रही है। मौके से फरार हो गए? हाँ, अभी यहाँ पर मौके पर कोई भी नहीं है, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल यहाँ आ गई थी और उसके बाद से हर नाके पर और जहाँ भी टोल टैक्स पर हमारी चेकिंग लगी हुई है वहाँ पर उनकी तस्दीक करवाई जा रही है। कल बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोग खत्म हो गए थे मौके पे, 2 बच्चे, 1 माँ, और आज सूचना मिली कि शायद उनके पिताजी का भी ध्यान तोड़ गया है। कल रात एक घटना हुई गोसलपुर थाना अंतर्गत पनागर, गोसलपुर में रहने वाले ये लोग हैं पटेल परिवार, और ये अपने बच्चों परिवार के साथ जा रहे थे पनागर थाना अंतर्गत। एक पीछे वाहन ने इनको मारा जिसमें से मौके पर बच्चे, पत्नी और 2 बच्चे, एक 5 साल का बच्चा है, 3 साल की बच्ची है, इनकी मृत्यु हो गई। और अमर पटेल जो मुखिया था परिवार का, उसकी स्थिति गंभीर थी, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई और इन 4 लोगों के शव पीएम में आ गए। वास्तविक स्थिति देखी जाए तो इनके वृद्ध माता पिता और परिवार में कोई शेष नहीं बचा है। आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि शवों को लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं है और परिवार का भी कोई आदमी नहीं है। उनके एकमात्र चाचा जो रिश्ते में थे वो थे, तत्काल व्यवस्था की गई, मोक्ष परिवार के सहयोगी और टीम गई है चारों शवों को लेकर अपने वाहनों से, और उनके चाचा को भी ले जाया गया है कि वहां पर सम्मान जो मदद की जा सके उनका संस्कार करवाया जा रहा है। वहीं पर एक आग्रह भी किया जा रहा है कि विपत्ति में प्रशासनिक स्तर पर लोग उसकी मदद करें और जो भी प्रशासन की बड़ी मदद कर पाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है और वृद्ध माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और वही परिवार को लेके क्या आवश्यकता थी जो आना पड़ा उन लोगों को? कहीं ना कहीं पुलिस चेक नाके में चाहती तो रोक सकती थी, हर जगह चेकिंग लगी हुई है। उसके बाद शाम को 7 बजे वो अपने परिवार को लेके निकले। ये संभवतः अपन किसी को दोषारोपण न करते हुए, जिनकी भी गलतियां थी या नहीं थी, जो जिम्मेदार थे या नहीं थे, पर मौके पर यह कहा जाएगा कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा, तो जिम्मेदारों को जिम्मेदारियां लेनी होगी, नहीं तो ये हादसों पर रोक नहीं लग पाएगी। और ऐसी जिंदगियों के लिए समर्पित भाव और हर जीवन के लिए जो प्रशासनिक स्तर पर, देश के स्तर पर और मानवता के स्तर पर हम सारे लोग जो सहयोग करना चाहते हैं, इन पर हस्तक्षेप लगेगा, इस तरीके से ये ठीक नहीं है। तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, इस परिवार को मदद मिलना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन है तो लोग निश्चित रूप में बहुत ज्यादा परेशान है, पर इतने सारी संख्या में सबकी व्यवस्था कर पाना भी शायद प्रशासन के लिए संभव नहीं है, पर आम स्तर पर भी और प्रशासन को भी, दोनों लोगों को
पाए पाए साथ चलना होगा। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है कि जहां पूरा परिवार नष्ट हो गया, पर आज जब मौके पर देखा गया तो एकमात्र उनके परिवार से रिश्ते में चाचा था। और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में संभवतः निश्चित रूप में यह बात भी तय है कि लोग ऊपर से तो कह दिया जाता है, आदेश भी होते हैं सारी मदद मिलने के, पर नीचे डाउन द लाइन वैसे प्रयास नहीं हो पाते हैं मौके पर। इस वक्त में तो निश्चित रूप में हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या आम आदमी हो या समाज का कोई भी वर्ग का आदमी हो, धर्म विशेष न रखते हुए मानवता विशेष रखना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और इस घड़ी में सबको सबके साथ खड़े होना होगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।